हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास टेंथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिक्स का बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.4 की तरफ। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ओके, बट 12.4 से पहले बच्चों, यहाँ मैंने 12.3 लिख दिया है, 12.4 से पहले ऑब्वियसली आपको पता है कुछ सैम्पल प्रॉब्लम हमारी बुक्स में दी रहती है, तो उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, कमेंट सेक्शन में प्रिंट कमेंट को चेक करिए। प्रिंट कमेंट में आपको क्लास टेंथ का पूरा सिलेबस बच्चों मिल जाएगा, ऊपर हमने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है और नीचे जो लिंक मिलेंगे वहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। ठीक है, तो सैम्पल प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ पर सैम्पल प्रॉब्लम 1 लेते हैं सबसे पहले। ओके, चलिए देखिए बच्चों, कह रहा है कि अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक बकेट है आपके पास, ये देखिए। ठीक है, कुछ इस तरीके की बकेट है, ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन के शेप की है। तो इस बकेट में बच्चों आपको जो हाइट दी है वो कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो यहाँ हाइट की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और इसके लोअर एंड अपर एंड्स का जो रेडियस है वो कितना है, 10 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो गया R1, R1 कितना है आपका 20, और लोअर एंड का रेडियस छोटा होगा ऑब्वियसली, बकेट तो देखा होगा आपने, तो ये R2 कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। कह रहा फाइंड द कैपेसिटी, बच्चों कैपेसिटी का मतलब होता है कि वॉल्यूम आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। और सरफेस एरिया ऑफ द बकेट में आप क्या क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, क्योंकि बकेट जिस भी मेटेलिक शीट से बनी होगी, कहाँ कहाँ लगी मेटेलिक शीट, एक तो उसके कर्व पे लगी, किनारे किनारे लगी, ऊपर से तो ओपन है, देखो यहाँ से ये ओपन है, ये तो सबको पता है, ऊपर से ओपन है तभी तो आप इसमें पानी डालोगे, ऊपर से तो खुला हुआ है। तो ये हो गया एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया, और साथ में हमको क्या लेना है, इसका बेस का एरिया, नीचे से बकेट क्लोज रहती है। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया की बात करेगा तो इसमें आपको क्या क्या लेना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा आपसे क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर लीटर। मतलब देखो बच्चों समझो, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द मिल्क निकालना है, उस मिल्क का, उस दूध का हमें कॉस्ट निकालना है, जो दूध जो मिल्क क्या कर दे, इसको कंप्लीटली फिल कर दे। तो देखो बहुत सिंपल सा है भाई, इसमें हम दूध डालेंगे डालेंगे डालेंगे, तो जितना इस कंटेनर का, इस सिस्टम का जितना वॉल्यूम है उतना ही दूध इसमें आएगा। यानी कि एक काम करते हैं क्या, कि इस कंटेनर का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और वॉल्यूम किस में निकाल लेते हैं, लीटर्स में, है ना। क्यों, क्योंकि एक भाई देखो, इसका कंटेनर का हमने वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम को हमने लीटर में चेंज कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा ना कि इस कंटेनर का वॉल्यूम लीटर्स में कितना है, तो उतना ही लीटर्स में मिल्क आएगा, और 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट दिया हुआ है 25, तो जितने लीटर मिल्क इसमें आएगा, लेट अस अस्यूम इसमें 100 लीटर मिल्क आता है, लेट अस अस्यूम अभी हम निकाल लेंगे, इसमें 100 लीटर अगर मिल्क आता है तो 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1 लीटर का कॉस्ट कितना है 25, तो जितने लीटर भी मिल्क इसमें आएगा उतने से उतने नंबर को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, आइए एक एक करके बच्चों करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, फाइंड द कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, तो कैपेसिटी अगर हम निकाल लें यहाँ पर, कैपेसिटी ऑफ द बकेट। अब एक बात बताइए बच्चों, सिस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे याद कराया था हमने, कौन से याद कराया था इसको आपको, कौन का क्या होता था याद करो, वॉल्यूम कौन का क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई एच इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह बस सिस्टम में हमें क्या रखना होता है, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। तो यहाँ हम रखेंगे आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर और प्लस आर वन इंटू आर टू रखेंगे, करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच्चों, क्वेश्चन में ना पाई का जो वैल्यू है वो आपको 3.14 लेने के लिए बोला गया है, तो पाई का वैल्यू आप लोग 3.14 लेंगे यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 3.14 इंटू हाइट ऑफ द आपका सिस्टम कितना है 30, तो एच की जगह हमने क्या रखा 30, अंदर देखो आर वन का स्क्वायर, आर वन कितना है बच्चों आपका 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो यहाँ जगह 400 प्लस आर टू का स्क्वायर, आर टू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, और प्लस आर वन इंटू आर टू, आर वन कितना है 20, आर टू कितना है 10, तो आर वन इंटू आर टू यानी कि 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ आ गया आपके पास 200, करेक्ट। और एक चीज़ देखिएगा बच्चों, हाइट किस में आपकी, सेंटीमीटर में, और ये आर वन का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, आर टू का स्क्वायर भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, आर वन इंटू आर टू भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो भी वॉल्यूम आएगा हमारा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब को, और इस सेंटीमीटर क्यूब को हम चेंज कर लेंगे किस में, मीटर क्यूब में, फिर मीटर क्यूब से हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, लीटर में, अभी करेंगे रुक जाइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, 3 1 3 और 3 10 कितना होता है 30 होता है, ठीक है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया, तो देखिए 3.14
अब देखो बच्चों एक काम करते हैं, अंदर से 10 कॉमन ले लो, उसका कारण है बता रहा हूँ। एक 10 तो देखो ये बाहर है, ये तो सभी बच्चों को पता है, और एक 10 हमने जब अंदर से कॉमन लिया तो ये 400 कितना बच जाएगा, 40, 100 कितना हो जाएगा 10, और 200 कितना हो जाएगा 20, है ना। नहीं समझ में बात भाई, अंदर से 10 कॉमन ले लो ना, ठीक है ना। तो एक 10 तो बाहर से था, अंदर से एक 10 कॉमन आया, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो देखिए 3.14 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ, और 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, ठीक। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया 3.14, तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 314 इंटू 70, तो 314 इंटू कितना हो गया 70। इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 314 इंटू 70 हमें करना है, तो ये 0000 7 4 28 2 7 1 7 9 7 3 21, करेक्ट। तो 0 8 9 1 2 2 1 9 8 0, ठीक, कितना आ गया 21980 क्या सेंटीमीटर क्यूब, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ओके, अब एक चीज मैं सभी बच्चों को यहां पे दिखाना चाहता हूं, ये हमारा आया है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक। तो ये देखिए ये आ गया। अच्छा एक चीज, इसको छोड़ो आप, इसको चलो अभी ऐसे रहने दो, यहाँ पे आके देखो आप, हमने आपको क्लास में बताया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर्स, ये तो पता है कि ये नहीं पता है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब को आप क्या लिखोगे बताओ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ये किस बच्चे को नहीं पता, 1 मीटर क्यूब को हम 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, बिकॉज 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब, ठीक। अब देखो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1000000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 लीटर्स, ओके। तो दिस इंप्लाइज कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, भाई अगर 1000000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, कितना लीटर हो जाएगा, 1000 अपॉन में 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 लीटर्स, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने सारे लीटर्स होते हैं, ये 3 0 3 0 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 लीटर्स, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1 अपॉन 1000 लीटर्स हैं, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे, इसको 1 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोटी मोटी बात सुन लो, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 1 अपॉन 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करो, और चाहे 1000 लीटर से डिवाइड करो, बाकी है सेम, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 21980 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया किस में आपका, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लीटर्स, ओके। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब नीचे 100 है, तो पीछे से दो प्लेस पे क्या आ जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 28.98 क्या लीटर्स, ओके। तो जो कैपेसिटी है आपका कंटेनर का वो कितना आ गया 21.98 लीटर्स, को डाउट बताइए। तो फर्स्ट आंसर बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, कहीं पे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी जो है हमारा आ गया कितना 21.98 लीटर्स, यानी कि इस बकेट में कितना मिल्क आ जाएगा 21.98 लीटर्स, ओके। तो सभी बच्चे पहले इतना कॉपी कर लें, फिर मैं आपको सरफेस एरिया ऑफ द बकेट निकाल के दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए। फ्रेंड्स फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द बकेट, ओके। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस एरिया होगा बकेट का, उसमें क्या क्या आएगा बताइए, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बकेट आएगा, है ना, और साथ में एरिया ऑफ द बेस आएगा, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बकेट और प्लस बेस एरिया ऑफ द बकेट, बेस का एरिया ये वाला, ठीक, बेस एरिया, करेक्ट। अब देखो बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, यहां पर भी होगा पाई आर एल टाइप का होगा, बस आर की जगह क्या होगा R1 प्लस R2। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई एल तो ऐसे ही रहेगा, पाई एल इंटू आर किसका होता है, कोन का, तो बकेट का कितना हो जाएगा पाई एल, और आर की जगह क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और प्लस बेस का एरिया, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर जो बेस है वो एक सर्कुलर बेस है, यानी कि सर्कुलर बेस, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बट हम रेडियस की जगह क्या रखेंगे R2, तो R2 का स्क्वायर, ठीक। तो पाई
आर टू का स्क्वायर। को डाउट है? अब देखो बच्चों यहाँ प्रॉब्लम ये, आर वन पता है आपको, आर टू पता है, एल नहीं पता है, स्लैंट हाइट। ठीक, तो स्लैंट हाइट जो होती है ये स्लैंट हाइट जो होती है फ्रस्टम में वो कितनी होती है, याद करिए, स्लैंट हाइट जो होती है फ्रस्टम में वो होती है रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू एच, एच कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। आर वन कितना है बताइए, 20, आर टू कितना है 10, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर 100, 20 माइनस 10 10, और देखिए पूरे का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 30 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 900 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 900 प्लस 100 यहाँ पे हो गया आपके पास क्या 1000 हो गया। ठीक है ना, ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग 1000 को, एक काम करते हैं बच्चों हम लोग इसको लिख लेते हैं 100 इंटू 10, सही है ना। तो 1000 को देखिए यहाँ पे स्लैंट हाइट में निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, एल इज इक्वल्स टू ये रूट ओवर क्या था 1000, तो 1000 को हमने 100 इंटू 10 लिख लिया। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10, चेक करो ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, और रूट 10 अंदर ही रहेगा, तो एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10, ओके, इंटू में रूट 10। कोई डाउट है? अब देखिए रूट 10 की बच्चों आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, रूट 10 की वैल्यू निकालिए और 10 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो रूट 10 की वैल्यू कैसे निकाले, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, जिनको नहीं पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए 10 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। देखो 10 को हम क्या लिखेंगे, 10.000000। ठीक, तो पॉइंट के लेफ्ट में हम 2 के पेयर बनाते हैं, पॉइंट के राइट में हम 2 2 के पेयर बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। चलो अब 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 10 माइनस 9 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक, फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे ना 0 0 वाला। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कितने टाइम्स जाएगा सोचिए ज़रा, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर सोचो, मेरे ख्याल से तो 1 आएगा, है ना, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सोचो जो यहाँ पे भी आ जाए, और इस नंबर को ये आगे वाले को छोड़ दो, इस नंबर को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करें तो या तो 100 आ जाए तो 100 से छोटा, तो 1 इंटू 61 कितना आ जाएगा 61, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9, और 9 माइनस 6 3। ठीक, यहाँ पे फिर से 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 62, और यहाँ से नेक्स्ट पेयर हम लोग कॉपी कर लेंगे, दैट इज व्हाट 00। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर सोचिए बच्चों, मेरे ख्याल से 5 टाइम जाएगा क्या, देख लेते हैं 625 into 5, 5 5 is 25, 2 5 is 10 plus 2 12, 1 5 is 30, 31, 3 1 2 5 आ जाएगा, एक बार और जाएगा शायद क्या 626 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 is 36, 3 6 2 is 12 plus 3 15, 1 6 is 36 plus 37, हाँ बिल्कुल सही है, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम्स, है ना, यहाँ आएगा 6, यहाँ भी आएगा 6, ये 6 को उठा के 626 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ रहा है 3 7 5 6। ओके, 10 माइनस 6 कितना होता है 4, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 8, 8 माइनस 7 1, 144, नेक्स्ट 0 हम फिर से यहाँ से उतार लेंगे, और यहाँ पर हमें ऐड करना है 6, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 12, 1, यहाँ आ जाएगा 3, 6 3 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 3 2 है, ये लगभग कितने बार जाएगा, मेरे ख्याल से बच्चों शायद 2 टाइम्स जाएगा, शायद देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 6 3 2 6 3 2 तो है ही है, और यहाँ पे 2 लगा के और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा कितना आ जाएगा 12। 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, बिकॉज 3 6 ज़ा कितना होता है 18, तो वो 18,000 हो जाएगा, हमें किसके आसपास लाना है 14,000 के, तो ये 2 टाइम्स ही जाएगा बच्चों। ठीक है, बस अब छोड़ देते हैं, 3.162 आ गया लगभग अप्रॉक्स में। ठीक, तो ये L इज इक्वल्स टू 10 इंटू रूट 10 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 10 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 3.162। ओके, तो 3.162, अब देखो इसको राउंड ऑफ कर लो पहले आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3.162 को आप 3.16 लिख सकते हो, क्यों, अगर हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालें तो थर्ड प्लेस के नंबर को चेक करेंगे, डेसिमल का फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस वाला जो नंबर है वो 2 है, जो कि 5 से छोटा है, तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे, 3.16 ही रहने देंगे इसको। ठीक, अब
यहाँ पर L इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा 31.6 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई 31.6 सेंटीमीटर। ओके तो आ जाइए यहाँ पर फॉर्मूले में, सभी बच्चे इतना कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, हटा दूंगा मैं, कॉपी करिए, हटा दें, चलो ओके। अब करना कुछ नहीं, यहाँ पर हमें इसको फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी यहाँ पर होगी नो डाउट। चलिए देखिए पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 3.14 करेक्ट। अच्छा एक काम कर लें, सुनो देखो ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट ऐसे लगाया, ठीक, देखो ये फर्स्ट टर्म में भी पाई है और सेकंड टर्म में भी पाई है, पाई कॉमन ले लेते हैं ना, तो पाई अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, एल इन द ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू और प्लस पाई चला गया बाहर तो आर टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सही है। अब देखिए पाई कितना है 3.14 और ब्रैकेट में एल, एल कितना है आपका 31.6 इन द ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू, हाँ भाई आर वन कितना है 20, आर टू कितना है 10, आर वन प्लस आर टू 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में आ गया कितना 30 और प्लस आर टू का स्क्वायर, आर टू कितना है 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ओके तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 100, ओके चलो तो ये हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो ये 31.6 है इंटू 30 है, ठीक भाई इंटू में 30 तो है, तो इंटू क्या हो गया 30, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ 10 आ जाएगा, 10 वन जा और 10 थ्री जा कितना होता है 30, ठीक तो 3.14 इन द ब्रैकेट। अब देखो 3 इंटू 30 3 इंटू कितना हो जाएगा 316, ओके कर लेते हैं 316 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4 3 3 जा 9, तो कितना आएगा 948, तो ये हो गया आपके पास 948 और प्लस में कितना है 100 है, ठीक तो प्लस में कितना है 100 है करेक्ट। 948 प्लस 100 8 प्लस 0 8 4 प्लस 0 4 9 प्लस 1 10 1048, तो कितना आ गया 3.14 इंटू इन दोनों को ऐड किया तो 1048, ओके अब 1048 को 3.14 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है, ठीक तो देखिए 1048 इंटू 3.14 तो 3.14 से करेंगे 48 जा 32 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19 यहाँ बन जाएगा 400 जा 0 प्लस 1 1 4 1 जा 4 इंटू लगाएंगे, अब हमें 1 से करना है तो 1 8 जा 8 1 4 जा 4 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1 ओके फिर इंटू 3 8 जा कितना होता है 3 8 जा 24 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14 1 3 जा 0 प्लस 1 1 और 3 1 जा 3 ओके तो 2 9 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 17 बन जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 2 6 6 प्लस 4 10 कैरी जाएगा 1 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 1 प्लस 1 2 कितना आ गया पीछे से 1 2 डिजिट पे तो 1 2 डिजिट पे कितना आ गया 32 90 3290.72 ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 3290.72, तो 3290.72 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, तो ये हो गया आपका क्या टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर का कैपेसिटी हमने लिखी थी, सेकंड आंसर यहाँ ब्लू मार्कर से कर रहे हैं कितना आ रहा है बताइए सरफेस एरिया बच्चों बकेट का कितना आ रहा है बोलिए 3290.72 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जिनके पास बुक है एग्जाम्पलर की वहाँ पे आंसर आ रहा है 3292.6, कितना आ रहा है आंसर आपकी बुक में, बुक में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3292.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सुनो ये इसलिए आ रहा है बिकॉज उन्होंने कैलकुलेशन में क्या किया है, उन्होंने कैलकुलेशन में एक जगह मतलब जैसे यहाँ ये वाले पाई तो 3.14 लिया उन्होंने, मैंने क्या किया मैंने पाई कॉमन ले लिया है ना, उन्होंने यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ली बुक देखिए और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22.7 ली है तो आंसर तो वेरी करेगा ही नो डाउट। उन्होंने बोला था पाई का वैल्यू 3.14 लेना है इसलिए मैंने पाई को कॉमन ले लिया और फाइनली मैंने पाई को कॉमन लेने के बाद 3.14 वैल्यू उसका ले लिया, ठीक है। तो दिस इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ओके चलो बहुत बढ़िया। तो ये आ गया और क्या पूछा था बताइए, वॉल्यूम हो गया सरफेस एरिया हो गया एंड कॉस्ट ऑफ द मिल्क है ना, तो बच्चों बहुत ईजी है यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइनल स्टेप में कॉस्ट ऑफ द मिल्क, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट का आंसर ये फर्स्ट आंसर है आपका, ये सेकंड है और थर्ड आंसर मैं आपका यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक। तो देखो बच्चों कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर बच्चों 1 लीटर का कॉस्ट कितना है 25 रुपीज़ और हमारे पास बकेट में कितना कैपेसिटी है 21.98 लीटर्स का कैपेसिटी है हमारे पास करेक्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल आएगी 21.98 लीटर्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज़ 25
फाइव से, बिकॉज 1 लीटर का कॉस्ट 25 है बस। अब आंसर निकाल लीजिए जो भी आ जाए, ठीक है, कितना आ जाएगा देखते हैं। तो 21.98 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है इससे 25 से, ओके। तो कैलकुलेशन के लिए आप लोग इसमें तैयार रहिए भाई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 21.98 इंटू 25 करते हैं, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 8 ज़ा 44 5 9 ज़ा 45 45 प्लस 4 49 4 आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और प्लस 4 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 5 2 ज़ा 10, ओके। फिर इंटू में 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, है ना। फिर जाएगा यहाँ पर आपके पास 1, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19 और 1 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 0 15, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19 1 4 और यहाँ आ गया 5 1 2 पीछे से 2 डिजिट पे, तो 549.50। तो रुपीज़ 549. ये 5 लिखा हुआ है 549.50, ठीक है। 5 के बाद 0 लगाओ ना लगाओ उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। यानी कि 549 तो रुपीज़ होंगे और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 50 पैसे, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके बच्चों, लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 549.50 दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द मिल्क दैट कैन बी एकोमोडेटेड बाय दिस कंटेनर। ओके तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, मतलब सैम्पल प्रॉब्लम 2 का जो सॉल्यूशन है, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।